सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर कलेक्टर सहित अधिकारियों को लगाए गए सशस्त्र सेना के बैच। कलेक्टर ने की जिला सशस्त्र सेना झंडा निधि में अंशदान देकर सहयोग करने की अपील। जिले में बीते दिन सोमवार 12 दिसंबर 2022 को जहां पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के तहत कलेक्टर अरविंद दुबे, अपर कलेक्टर आदित्य रिछारिया, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा सहित जिले के अधिकारियों को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सशस्त्र सेना के बैच और झंडे लगाए गए। इस अवसर पर कलेक्टर दुबे एवं अधिकारियों के द्वारा सहयोग राशि दी गई। वहीं डिप्टी कलेक्टर मकसूद अहमद, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सूबेदार भानु प्रताप सिंह सिसोदिया, हवलदार मुन्नालाल गौर नायक, लक्ष्मी नारायण मीना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं कलेक्टर दुबे ने सभी अधिकारियों को सशस्त्र सेना झंडा निधि में सहयोग राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं एवं अंशदान देकर सहयोग करने की अपील की है। वहीं सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए उदारता पूर्वक आर्थिक सहयोग देकर सेना की त्याग और सेवा की उत्कृष्ट परंपरा के सहयोगी बनने के लिए गौरव का अनुभव कर सकते हैं। झंडा दिवस निधि में दान दी गई राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 297(2) का के अंतर्गत आयकर से मुक्त है। वहीं ये राशि चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि भोपाल के नाम से बनाकर अथवा कलेक्टर कार्यालय रायसेन में स्थापित CCB की बैंक ब्रांच में संधारित खाता क्रमांक 1650030407982 में राशि जमा कराई जा सकती है। भारतीय सशस्त्र सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं, जो शहीद हो गए हैं। इस राशि का उपयोग शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों, विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को उपचार, छात्रवृत्ति, स्वराजगार, सिलाई कढ़ाई, अन्य तरह से आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है।